गरीब की जुए वाली बेटी। क्लास में सारी बच्चियां क्लास टीचर से अपना होमवर्क चेक करा रही थी और जब क्लास टीचर सभी बच्चों के होमवर्क को चेक कर रही थी तभी वह टीचर कविता से कहती है, क्या बात है कविता, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है क्या? किया है मैडम जी। तो फिर तुमने अभी तक अपना होमवर्क चेक क्यों नहीं करवाया? मैं अभी लेकर आती हूँ मैडम। इतना कहकर कविता अपने होमवर्क की कॉपी लेकर क्लास टीचर के पास जाती है और उसी समय क्लास टीचर उससे कहती है, ओहो कविता, तुम्हें मेरे इतने पास आकर कॉपी देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाओ या फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर दूंगी। इतना सुनकर कविता अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और उसको पता था कि उसके साथ यही होने वाला है क्योंकि टीचर कभी भी कविता को अपने पास खड़ा होने नहीं देती थी और क्लास के सारे बच्चे भी इसी वजह से कविता का बहुत मजाक उड़ाया करते थे और इन सब का कारण था उसके सर में पड़े जुए, क्योंकि कविता के सर में बहुत सारी जुए थी और बाल घने होने की वजह से उसके सर पर दवाई भी ठीक से नहीं लग पाती थी और इसी वजह से उसके सर से जुए जाती ही नहीं थी और ना ही क्लास का कोई भी बच्चा कविता से दोस्ती करना चाहता था और ना ही उसके आसपास बैठना। इसलिए आज भी कविता इन सब चीजों से परेशान होकर रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। अजी पता नहीं आपने कैसे स्कूल में हमारी बच्ची का दाखिला करवा दिया है। अरे वहाँ सारे बच्चे रोज इसका मजाक उड़ाते हैं, आखिर ये सब कब तक बर्दाश्त करेगी? अरे बड़ी मुश्किल से तो हमें ये स्कूल मिला है और हम गरीबों के बजट में है और वैसे भी बच्चों की आदत होती है एक दूसरे का मजाक उड़ाना, इसलिए कविता बेटा हमें किसी के बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे ही हर किसी के बात का बुरा मानने लगे तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कविता अपने पिता की बातें सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है और अगले दिन फिर से तैयार होकर स्कूल चली जाती है जहाँ टीचर क्लास में बच्चों से कुछ सवाल पूछती है। हाँ तो बच्चों, मुझे बताओ कि एक इंसान के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है और उस हड्डी का क्या नाम है? टीचर का सवाल सुनकर सारे बच्चे उसका जवाब सोचने लगते हैं। उसी समय लास्ट में बैठी कविता अपना सर खुजाते हुए अपना हाथ ऊपर करती है। अरे वाह कविता, तुम्हें इसका आंसर पता है? जी मैडम। अच्छा तो बताओ फिर। मैडम जी, हमारे शरीर की जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है और उसे फीमर कहते हैं। वेरी गुड कविता, यहाँ सारे बच्चे आंसर सोचते रह गए और तुमने 2 मिनट में सर खुजाते हुए जवाब भी दे दिया। वाओ वेरी गुड। टीचर की यह बात सुनकर वहाँ बैठे सारे बच्चे कविता पर हंसने लगते हैं और यह देखकर कविता उदास हो जाती है और इसी तरह टीचर फिर से एक सवाल पूछती है। अच्छा बच्चों, तो तुम लोगों का दूसरा सवाल है कि एक स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इतना सुनकर बच्चे फिर से जवाब सोचने लगते हैं। तभी कविता अपना सर खुजाते हुए फिर से अपना हाथ ऊपर उठाती है। क्या बात है कविता, तुम्हें फिर से इसका जवाब पता है? तो बताओ। मैडम, 60 से लेकर 100 बार तक। वेरी गुड कविता, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। टीचर के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर कविता बहुत खुश होती है, लेकिन उसी समय क्लास की एक बदमाश लड़की कहती है, हाँ टीचर ने बिल्कुल सही कहा, इसका दिमाग तो बहुत तेज चलता है लेकिन इसके सर में जुए भी उतनी ही तेज चलती है। उस लड़की की बात सुनकर क्लास के बच्चे कविता का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी टीचर भी ये बात सुन लेती है और वह सभी बच्चों को डांट कर चुप करवा देती है और ऐसे ही कुछ दिनों में परीक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन जहाँ कविता क्लास में सारे सवालों का सही जवाब देती है, वही एग्जाम में कविता क्लास में सभी बच्चों से सबसे कम नंबर लाती है और उसके नंबरों को देखकर क्लास टीचर हैरान होती है। इसलिए वह कविता को पहली बार अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, कविता ये क्या है, तुम्हें तो सारे सवालों के जवाब आते थे ना, तो फिर तुमने ये कैसे एग्जाम दिया है जिसमें तुम्हें इतने कम मार्क्स मिले हैं? सॉरी मैडम, मैं आगे से ऐसे नंबर नहीं लाऊंगी। देखो कविता, तुम पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ, क्या तुमने पढ़ाई नहीं की थी क्या? पढ़ाई तो बहुत की थी मैडम जी,
और मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है, लेकिन इन चूहों की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ और ना ही क्लास में मुझसे कोई बात करना चाहता है। हमेशा सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैडम जी, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? कविता की ये बातें सुनकर टीचर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो कविता, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस कल अपने माता पिता को लेकर स्कूल आ जाना। ठीक है मैडम जी। अगले दिन कविता अपने माता पिता को लेकर स्कूल जाती है, जहां टीचर उनसे कहती है, देखिए मैं आप दोनों को यहां पर कविता के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाई हूं। कविता एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और वो पढ़ाई में भी काफी तेज है, लेकिन फिर भी उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और उसके क्लास में सबसे कम नंबर आते हैं। जी मैडम जी, कविता ने बताया था हमें कि वो अपने सर के जुओं से बहुत परेशान है और इसी वजह से वो अपना पेपर भी ढंग से नहीं दे पाई थी, जबकि इसे सब कुछ याद था। देखिए, यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग कविता के सर की अच्छे से सफाई किया करिए और उसे साफ सुथरा रखिए। नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो हमेशा अपना बाल साफ रखती है और रोज नहाती भी है, लेकिन फिर भी इसके सर से जुएं नहीं जाते और अब तो हम भी इसके इस जुएं वाली बीमारी से बहुत परेशान हो चुके हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह तो गंदगी की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। मैडम जी, हमने इसका इलाज करवाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आजकल डॉक्टरों की फीस और उसका इलाज इतना महंगा होता है कि हम जैसे गरीब लोग करवा ही नहीं सकते। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिए, मैं आपको एक पता लिख कर देती हूँ, आप लोग जाकर उनसे मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैडम जी, या भी बड़े डॉक्टर होंगे ना, तो भला हम लोग इनकी फीस कैसे दे पाएंगे? फीस की चिंता आप मत कीजिए, वो डॉक्टर मेरे पति हैं, इसलिए वो आपसे इलाज के पैसे नहीं लेंगे। टीचर की ये बात सुनकर कविता के गरीब माता पिता को थोड़ी सी राहत मिलती है और वे लोग अगले ही दिन कविता को डॉक्टर राजेश के पास लेकर जाते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, वो हमें मैडम जी ने भेजा है। अच्छा, आप लोग हैं कविता के माता पिता? अच्छा कविता बेटा, तुम यहाँ आओ मेरे पास, जरा देखूं तो तुम्हारे सर की क्या हालत है। इतना कहकर डॉक्टर राजेश कविता का सर अच्छे से देखते हैं और फिर कहते हैं, देखिए ये किसी गंदगी की वजह से नहीं है, बल्कि यह एक इन्फेक्शन है, इसलिए ये आम शैम्पू या घरेलू नुस्खे से नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ और लोशन लिख कर देता हूँ, आप इसे बाहर स्टोर से खरीद लीजिएगा और उसे मेरा नाम बता दीजिएगा, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। कविता के टीचर और उनके पति बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने कविता और उनके परिवार की बहुत मदद की और ऐसे ही कविता डॉक्टर की बताई हुई दवाई समय पर खाती है और उनका बताया हुआ लोशन अपने सर पर रोज लगाती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके सर के जुए गायब हो जाता है और वह फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों में ही फिर से एग्जाम शुरू हो जाता है और इस बार कविता ने अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से दिया था, इसलिए जब रिजल्ट आता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कविता पहली बार अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। यह देखकर कविता के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी कभी इस परेशानी से बाहर निकल पाएगी और अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। गरीब बेटी का अनोखा स्विमिंग पूल। रौनकपुर गाँव में पायल नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पायल के पिता एक लकड़हारे थे, वह सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियाँ काटते थे और शाम को गांव वालों के घर जाकर लकड़ियाँ बेचा करते थे। पायल के माता पिता बहुत ही गरीब थे, लेकिन गरीबी में भी वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं वह हमेशा उदास भी रहती थी। पायल का रंग सांवला था और उसके सांवले रंग को लेकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। पायल गांव की लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े पहनना और स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पायल के पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को अच्छे कपड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ाते। गांव की लड़कियां पायल की गरीबी पर पायल का बहुत मजाक उड़ाती थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। फिर एक दिन पायल सोचती है, अगर मैं ऐसे ही दुखी रही
तो आखिर कैसे काम चलेगा? मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह मुझे अच्छे कपड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन अब मुझे अपने गरीबी में ही जीने का आदत डाल लेना चाहिए। लेकिन मैंने अब अपने मन में ठान लिया है, कोई कितना भी मेरी गरीबी को लेकर मेरा मजाक क्यों ना उड़ाए, लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी एक दिन पायल की माँ पायल के पिताजी से कहती है, अजी अब अपनी बिटिया पायल भी शादी के लायक हो गई है, आपने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे भाग्यवान, अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर सकूं इसलिए दिन रात मेहनत करके कमा रहा हूं। कल ही अपनी बिटिया पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बिटिया की शादी के लिए मुझे भी चिंता है, इसलिए शादी के लिए मैंने पंडित जी से पहले ही बात कर लिया था। अगले दिन लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। कुछ देर तक आपस में बातचीत करते हैं, फिर थोड़ी देर में सबके सामने पायल आती है। पायल को देखने के बाद शर्मा जी का बेटा अमित, जिससे पायल की शादी होने वाली थी, वो कहता है, पिताजी क्या आपको और लड़की नहीं मिली थी क्या, जो आप मेरे लिए ऐसी लड़की देखने आए हो? एक तो ये गरीब घर से है और दूसरा इसका रंग भी सांवला है। चुप करो अमित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तभी अमित की माँ कहती है, सही कह रहा है मेरा बेटा, जरा अपने बेटे को देखिए, कैसे दूध की तरह गोरा है, और अगर इस लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी होगी तो आखिर लोग क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। अगर आप लोग कुछ पैसे वाले होते तो बात अलग थी, लेकिन एक तो आप कुछ दहेज नहीं दे सकते हो, ऊपर से लड़की भी सांवली है। अपने बेटे और पत्नी की बातें सुनकर शर्मा जी पायल के पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इतना बोलकर शर्मा जी अपने परिवार के साथ घर वापस चला जाता है। लेकिन अपनी और अपने माता पिता की इतनी बेइज्जती होता देखकर पायल का आत्मविश्वास एक बार फिर से टूट जाता है और पायल अपने कमरे में बैठकर रोते हुए बोलती है, क्या मैं इतनी काली हूँ? लगता है भगवान ने मुझ जैसी गरीब लड़कियों के लिए कोई हमसफर ही नहीं बनाया। पायल को रोता हुआ देखकर उसके माता पिता भी बहुत दुखी होते हैं और अपनी गरीबी और अपनी बेटी की इतनी बुराई सुनकर पायल के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और पायल के पिताजी बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तभी एक दिन पायल की माँ पायल से कहती है, पायल बेटी तुम्हारे पिताजी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम उनका इलाज करवा सके। ऊपर से इनकी तबीयत खराब होने की वजह से ना तो लकड़ी बिकी है और ना ही जंगल से लकड़ी कट कर आई है। आप चिंता मत करो माँ, मैं जंगल जाती हूँ और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लेकर आती हूँ। उसके बाद पायल कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। पायल बहुत ही मेहनत से लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करती है और वह कहती है, मैंने आज बेचने जितनी लकड़ियाँ काट ली है, अब मुझे जंगल से जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। ऐसा कहकर पायल सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने माथे पर लेकर घर की ओर आने लगती है। चलते चलते वह बहुत ही थक जाती है और एक जगह लकड़ी रख कर बैठ जाती है। तभी उसे कहीं से पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देती है। पानी बहने की आवाज़ सुनकर पायल इधर उधर देखने लगती है। देखते ही देखते वह एक तालाब के पास पहुंच जाती है। तालाब को देखकर पायल बहुत ही खुश होती है और वह सोचती है कि थोड़ी देर यहाँ रुककर और पानी पीकर यहाँ से जाऊंगी। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। अगर मैं थोड़ी सुंदर दिखती और मेरे पिताजी के पास भी पैसे होते तो अमित शादी के लिए मना नहीं करता और ना ही मेरे पिताजी की तबीयत खराब होती, लेकिन अफसोस मेरी किस्मत ही खराब है। तभी तालाब से आवाज आती है। तालाब की आवाज़ सुनकर पायल घबरा जाती है और वह बोलती है, अरे ये किसकी आवाज़ है? घबराओ नहीं बेटी, यह मैं हूँ तालाब। वो क्या है ना, पिछले कई वर्षों से किसी ने मुझसे बात नहीं की और ना ही कोई मेरे आसपास से होकर गुजरता था, क्योंकि सबको लगता था कि मैं कोई भूत या तालाब हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लोगों से बातें करना और लोगों की मदद करना बहुत ही पसंद है। मैंने तुम्हें खुद से बातें करते हुए सुना तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बताओ
तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तालाब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जादुई तालाब हो? हाँ, मैं एक जादुई तालाब हूँ। आज तुम मुझसे अपनी दो इच्छाएं पूरी करवा सकती हो, जिसमें से तुम अपनी पहली इच्छा से बहुत ही सुंदर दिख सकती हो। वह इच्छा तुम्हारी पूरी हुई, अब तुम्हारी दूसरी इच्छा बाकी है। तुम जो भी कहना चाहती हो कह सकती हो। तभी पायल कहती है, हे जादुई तालाब, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। पायल के इतना कहते ही पायल के सामने 50,000 रुपये प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यह देखकर तालाब पायल से पूछती है, पायल, तुमने केवल 50,000 ही क्यों मांगे? तुम अपनी इच्छा के अनुसार हीरे जेवरात, सोने चांदी या फिर बहुत सारे धन दौलत भी तो मांग सकती थी। तभी पायल बड़ी ही विनम्रता से तालाब को जवाब देती है, जादुई तालाब जी, अभी आपने ही कहा ना, आपको लोगों की भीड़ और लोगों को यहाँ से होकर गुजरना और आपसे बातें करना पसंद है। आपने मेरी इच्छा पूरी की है, अब मैं आपकी इच्छा को पूरी करना चाहती हूँ। मुझे पैसे और धन दौलत की लालच नहीं है, लेकिन मेहनत मजदूरी के पैसों से बहुत ही प्यार है। अब मैं इन पैसों से आपके इस तालाब को स्विमिंग पूल में परिवर्तित कर दूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आ सके, और लोगों ने जो आपके ऊपर भूतिया तालाब होने का इल्जाम लगाया है वह भी दूर हो जाए। पायल, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो। मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की की मदद की है। उसके बाद पायल खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और जाते समय मेडिकल से अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ भी लेकर जाती है। घर आने के बाद पायल को देखकर उसके माता पिता बहुत ही हैरान होते हैं और पायल की माँ बोलती है, पायल बेटा, जब तुम घर से बाहर जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी तब तो कुछ और ही नजर आ रही थी, और अब तेरा रंग रूप इतनी जल्दी कैसे बदल गया? बताती हूँ माँ, बताती हूँ, सारी बातें आप दोनों को बताती हूँ। पहले पिताजी, आप ये दवाई खा लीजिए। बेटी, तुम ये दवाइयाँ कहाँ से लाई हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद पायल अपने माता पिता को जंगल के जादुई तालाब के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और उसी वक्त अपने पिताजी को लेकर उस तालाब के पास चली जाती है। पायल के पास जो 50,000 थे, उस पैसों से पायल उस तालाब को स्विमिंग पूल में परिवर्तित करवा देती है। पूरे गांव में एक स्विमिंग पूल हो जाने के कारण गर्मियों में उसमें लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और पायल स्विमिंग पूल से पैसे कमाने के लिए पर व्यक्ति 250 रुपए का चार्ज रख देती है। स्विमिंग पूल को और भी ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए उस स्विमिंग पूल का नाम अनोखा स्विमिंग पूल रख दिया जाता है। अब पायल के पिताजी जंगल से मेहनत करके लकड़ियां नहीं काटते थे, पूरी गर्मी में वहाँ लोगों की भीड़ जमा रहती थी। अब पायल उस अनोखा स्विमिंग पूल से बहुत पैसा कमा रही थी। देखते ही देखते पायल और उसका परिवार बहुत ही अमीर हो जाता है। अब पायल की शादी के लिए रिश्तों की भी कोई कमी नहीं थी। बड़े से बड़े घराने के लड़के पायल से शादी करना चाहते थे। अब अमित को अपनी बेवकूफी पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। पायल ने अपने दिमाग से उस तालाब की मदद की और अपने पैसे कमाने का जरिया भी ढूंढ लिया। अब पायल और उसका परिवार उस अनोखे स्विमिंग पूल की वजह से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।